नमस्कार साथियों, होप सो आप सभी घर होंगे, सुरक्षित होंगे। कोविड का टाइम है, हमें खुद की भी देखभाल करनी है और हमारे आसपास जो भी जरूरतमंद लोग हैं हमें उनकी भी हेल्प करनी है। क्योंकि देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि दुख की घड़ी में आप किसी के कितना साथ में या काम में आते हैं ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं देखो, एक लाइफ है, लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हम मतलब इस चीज़ में पड़े हैं कि अपने स्वार्थ के अंदर जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे आसपास क्या हो रहा है, उन चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और उनसे कुछ सीखते हुए हर रोज़ एक नया अगर सीखेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छा ग्रैब कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन, आज के ही सेशन में हम जो यूपी कैटेट का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को पूरा डिस्क्राइब करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि शायद यार एग्जाम है तो इसमें बाकी में क्या हेल्प करेगा। देखिए, इसके अंदर एंटो के काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके अंदर आपके और भी कई सब्जेक्ट के काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, खासकर अगर हम बात करें यहां पर एफसीआई के लिए, क्योंकि उसमें एंटो को काफी फोकस किया गया है, तो वहां से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो होता है ना वो आपका जो है किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक सैनी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग अभी आपके साथ जुड़े हैं या फिर आपके साथ आपके फ्रेंड हैं, जिन लोगों को नीड है उनके साथ शेयर कीजिए, उनको जो है ये लिंक इस YouTube वीडियो का प्रोवाइड करवाइए, सो दैट जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतना ही अच्छा एक इंट्रैक्शन हो पाएगा और उसी इंट्रैक्शन के साथ और जोश के साथ आपके लिए आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोज लेके आते रहेंगे ना। और जो भी बच्चे हमारे YouTube या फिर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ऐड हो तो वो आप ऐड हो सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको डेली क्विज आपको मिलेगी, उसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट डेटा जो होते हैं वो वहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टाइम टू टाइम आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, क्विज एंड डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप डिस्कस भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई नीड है आप वहां पर पूछ सकते हो, जो हमारे से हेल्प हो पाएगी हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। वेरी गुड इवनिंग मंजिंदर, मंजिंदर वेरी गुड इवनिंग ग्रीन गोल्ड, है ना, ग्रीन गोल्ड कौन है। चलिए वापिस आते हैं हमारे, तो इसके ऊपर हमने क्या बोला कि आज आपका यूपी कैटेट 2017 का जो पेपर है वो यहां पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, ये एक्चुअल में दो तीन पार्ट में हो पाएगा क्योंकि काफी क्वेश्चन है इसके अंदर और इतना समय नहीं होता कि मैं सारे क्वेश्चन के लिए एक आपको, है ना, क्योंकि 1-1.5 घंटा मुश्किल से मिल पाता है। तो रेगुलरली 2 या 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी, है ना। कल का सेशन नहीं कर पाऊंगा लेकिन परसों डेफिनेटली आपके साथ इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे और 2020 का भी यूपी कैटेट का जो पेपर है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कंप्लीट पेपर जितना भी हो सका हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। चलिए गाइज, सो आज हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मस्टर्ड सॉफ्लाई लेज एग ऑन। आपकी जो मस्टर्ड सॉफ्लाई है वो कहां पर एग आपके प्रोवाइड करवाती है या एग आपके ले करती है, फ्लावर बड के ऊपर, पेटियोल के ऊपर, सोयल के ऊपर या लीफ मार्जिन के ऊपर। क्या पूछा गया कि जो आपकी मस्टर्ड सॉफ्लाई है, मस्टर्ड सॉफ्लाई एक इंसेक्ट है ना, आप सब लोग जानते हैं, एंटो का ही पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें एंटो के ना काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं तो प्लीज इनसे कुछ सीखने की कोशिश करना और इनसे यहां पर जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे गए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पर, देखिए गाइस क्या होता है एग्जाम के अंदर कई बार आपको ना टिपिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फैक्ट बेस्ड, है ना। फैक्ट बेस्ड क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट का कोई ऑर्डर पूछ लिया गया, कई बार किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को पूछ लिया गया कि ये सिस्टमिक फंगिसाइड है या फिर हमारा जो है यहां पर आपका नॉन सिस्टमिक फंगिसाइड है। यहां पर इसी के साथ जो है आप लोगों को कई बार पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप और एक इंसेक्ट होता है उसका कोई ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डर से ये बिलोंग करता है। तो उस केस में मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो आपका ये जो ऑर्डर पूछा जाता है, कोई आपका ये इंसेक्ट का पर्टिकुलरली या इंसेक्टिसाइड का ग्रुप पूछा जाता है, तो इसके लिए आप अपना एक छोटा सा टेबल बनाइए और इनको जो इंपॉर्टेंट है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम सभी केमिकल को याद करें, नहीं हो पाएगा, हम सारा टाइम इसी चीज में वेस्ट कर देंगे और इस चीज को फाइंड आउट करने में रह जाएंगे, तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी डियर। तो मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आपके इस प्रकार से जो इंसेक्ट है उनका ऑर्डर, जो इंसेक्ट है उनका किस प्रकार से पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो आपका, है ना, तो वो आपको उसको क्या कर लीजिए, लिस्ट आउट कर लीजिए और लिस्ट
लिस्ट आउट करके उनको एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कीजिए, देन देयर आफ्टर आपके लिए उनको याद करना, उनको ग्रैब करना बहुत इजी रहेगा, वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। और खासकर ऐसे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम, किसी भी एग्जाम के अंदर आपके कोई क्वेश्चन आए हुए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डेफिनेटली उठा लीजिए वहां से, उसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि एज इट इज सेम क्वेश्चन कई बार आपके डिफरेंट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको एस्पेक्ट लगे कि हाँ आपके पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, उनको भी साथ में स्टडी कर लिया करें, सो दैट कि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जी गाइज समझ में आया? तो यहां पर क्या है कि आपका फ्लावर बड पे, पिटियोल पे, सोयल पे या लीफ मार्जिन पे, तो लीफ मार्जिन यहां पर आंसर आया है मिस्टर विवेक का, बिल्कुल सही विवेक कि आपका आंसर जो है कि लीफ मार्जिन पे। लेकिन कैसे, देखिए गाइस यहां पर जो मस्टर्ड सप्लाई होता है वो आपका अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में ब्रीड करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्च के बाद ये क्या हो जाता है, जब समर सीजन की बात करते हैं तो ये डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, आपका जो है प्यूपल कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद क्या है कि जो उसके अडल्ट है वो आपके यहां पर क्या होते हैं, अर्ली अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के जब इनिशियल 15 दिन होते हैं उस समय वो बाहर निकलते हैं और 2 से 8 दिन के लिए वो जिंदा रहते हैं, और आपका पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर 30 से 35 अंडे यानी कि 30-35 एग जो है वहां पर दे देते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो कहां देते हैं। तो देखिए क्या बोला कि वो आपका यहां पर अंडर साइड द लीफ मार्जिन, यानी कि जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उसके मार्जिन के ऊपर नीचे की साइड, अंडर साइड मतलब नीचे की साइड वो क्या करेगा, आपका एग ले करने का काम करेगा। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को याद रखना। आगे क्या है कि दे रिमेन हिडन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड व्हेन डिस्टर्ब्ड फॉल टू द ग्राउंड आपका, और जिसके बाद अगर आपका क्या हो जाता है कि अगर ये जो है नाइट के टाइम पर आपका क्या रहते हैं, बिल्कुल डे टाइम के अंदर क्या रहते हैं, हिडन रहते हैं नीचे की साइड, और आपको पता होना चाहिए अगर एक बार नीचे गिर जाए तो वो आपका जमीन पर गिरने के बाद मर भी जाते हैं डिस्टर्ब अगर कर दिया जाए, तो उस केस में ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, जो आपका इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपका कब एस्टैब्लिश किया गया। देखिए गाइस इसका मैं आपको बताता हूं, इसकी हिस्ट्री के रिलेटेड अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो यहां पर इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका सबसे पहले ग्रेन स्टोरेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से 1958 के अंदर हापुर यानी कि यूपी के अंदर इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद क्या है कि इसका नाम चेंज किया गया, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1996 के अंदर, और द इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का जो आपका लोकेशन है वो आज भी हापुर है, लेकिन इसके साथ में दो जो आपके स्टेशन है, एक हैदराबाद के अंदर और एक आपका लुधियाना के अंदर जो है यहां पर इंस्टीट्यूट आपके या इसके रीजनल स्टेशन जो है वो आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए जो हमारा सेंट्रल फार्म ट्रेनिंग रिसर्च, सेंट्रल फार्म मशीनरी जो ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका कहां है, वो आपका लुधियाना के अंदर अवेलेबल है। और हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में और क्या क्या इंस्टीट्यूट है, तो हैदराबाद के अंदर आपको भी पता होगा एक नहीं आपके कई इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो एरिड जोन के रिसर्च इंस्टीट्यूट है इधर, आई थिंक सो, अगर हम बात करें, एक आपका जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी कहां है, वो आपका हैदराबाद में है, है ना। तो प्लीज इस चीज को ध्यान पर रखना कि आपका जब हम बात करते हैं किसके रिलेटेड, आपके इंस्टीट्यूट्स के रिलेटेड, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट है ये नाम याद बहुत कम रहते हैं, है ना, बट हमें अगर रेगुलर इनको स्टडी किया जाए तो ये याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको रेगुलर आपको स्टडी करना पड़ेगा और रेगुलरली आपको लेके आना पड़ेगा, तभी डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएगा कि हम इनको याद कर पाए। जी बिल्कुल गाइस, हाँ बहुत स्लो करेंगे डेफिनेटली, है ना, इतना ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, आराम से समझाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं स्पीड के साथ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पर्टिकुलर टाइम में दे दिया जाए। नेक्स्ट आपका है रेयरिंग ऑफ स्टिंगलेस बी इज नोन एज, आपका स्टिंगलेस बी को रेयरिंग करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है बी कल्चर, दूसरा आपका है एपी कल्चर, तीसरा आपका है मेलिपोनी कल्चर और चौथा आपका है इरिडी कल्चर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपका यहां पर
बिल्कुल देखिए गाइस, यहां पर क्या बोला गया कि आपका रेयरिंग ऑफ स्टिंगलेस बी, स्टिंगलेस बी जो होती हैं उनको रेयरिंग करना आपका क्या कहलाता है? तो स्टिंगलेस बी को रेयरिंग करना आपका मेलिपोनिकल्चर कहलाता है, मेलिपोनिकल्चर। अब देखिए यहां पर क्या है कि इस कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा कि आपका मेलिपोनिकल्चर क्या है। मेलिपोनिकल्चर क्या है कि एक्चुअल में यहां पर आपका ये नहीं कि उसके अंदर स्टिंगलेस या फिर बिल्कुल भी आपका नहीं होता है, ये एक्चुअल में जो आपके वुमेन है या फिर जो आपका डोमेस्टिक यानी कि लेवल के ऊपर हनी बी को रेयरिंग करने का एक तरीका है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ये एनुअली जो है 1 से 2 लीटर हनी प्रोड्यूस करते हैं अगर बाकी आपके रिस्पेक्ट में देखा जाए, लेकिन इसका ज्यादा हनी प्रोड्यूस नहीं हो पाता। दूसरा, हमारे इसका जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में हुई थी, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इसकी एक स्पीसीज है, वो स्पीसीज का नाम है ट्राइगोना इरिडिपेनिस। ये हमारे इंडिया के अंदर स्पीसीज है जो आपकी लोकल स्टिंगलेस बी कहलाती है, लोकल स्टिंगलेस बी है, और वही यहां पर क्या की जाती है, आपकी डेवलप की जाती है और वही की रेयर की जाती है एज इन द फॉर्म ऑफ मेलिपोनिकल्चर, ठीक है। तो प्लीज आप एपिकल्चर के रिस्पेक्ट में इस बात को कई बार हम क्या कर देते हैं, आंसर गलत कर देंगे। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, एपिकल्चर का मतलब क्या होता है तो आप सभी लोग जानते होंगे एपिकल्चर के बारे में। प्लीज लेट मी नो कि आप एपिकल्चर के बारे में जानते हैं, यस और नो। एपिकल्चर में मेनली हमारे इंडिया के अंदर कौन सी स्पीसीज ग्रो करवाई जाती है, रेयरिंग की जाती है, क्या आप नाम बता सकते हैं? इंडिया के अंदर मेन कौन सी स्पीसीज है, प्लीज राइट योर कमेंट। इंडिया के अंदर जो हमारी एपिकल्चर की फॉर्म में कौन सी हनीबी की स्पीसीज है जो कि रेयर की जाती है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एपिस मैंगी फेरा? नो 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 नो, एपिस मैंगी फेरा नहीं है डियर, मेली फेरा। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया के अंदर मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो एपिस सेरेना है ना, जो एपिस सेरेना जो है, या फिर आपका अगर हम बात करें एपिस मेलीफेरा, ये दोनों ही स्पीसीज है इंडिया के अंदर, ज्यादातर जो है वो आपकी एपिस मेलीफेरा है ना, बिल्कुल सही। लेकिन मैंगी फेरा नहीं है आकृति जी, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा है फोजोरियल लेग आर फाउंड इन, जो फोजोरियल लेग है वो आपके कहां या किस में फाउंड होते हैं? देखिए गाइस, आपका आंसर आपके पास है, आप बोलोगे सर कि मोल क्रिकेट के अंदर है ना, लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका लाउज क्रिकेट है या फिर स्प्रिंग टेल है, फायर ब्रेड्स है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारा फैक्ट, फिर वही बात है कि फैक्ट हमें पता होना चाहिए, यहां से आज हमें इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर फैक्ट क्या है। फैक्ट हमारा अगर हमें पता होगा तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर हम आराम से कर पाएंगे, है ना, क्योंकि फैक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी इंसेक्ट के बारे में पर्टिकुलरली पता होना, या फिर उसके लेग टाइप कैसे हैं, उसके विंग टाइप कैसे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, उसका माउथ टाइप कैसा है। देखिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, इनको आप स्टडी कर लीजिएगा। मैं आपको अभी बता देता हूं कि सबसे पहले आपके इंसेक्ट जो है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, वो आपका डायप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, वो आपका लेपिडोप्टेरा जो है ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है वो आपके एग्जाम में आता है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है माउथ पार्ट से, कि सॉरी माउथ टाइप से, कि उसका माउथ टाइप कैसा है। माउथ टाइप का मतलब क्या होता है कि वो आपका स्पॉन्जिंग टाइप है, वो आपका सिफोनिंग टाइप है, वो आपका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, किस टाइप के उसके माउथ पार्ट हैं। तो माउथ पार्ट या माउथ टाइप के बेस पे भी हमेशा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है ऑर्डर के बेस पे, दूसरा आपका है माउथ पार्ट के बेस पे, तीसरा आपका है विंग टाइप के बेस पे, यानी कि आपके इंसेक्ट का विंग टाइप कैसा है, तो वो भी आपके यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर जो है उसके लेग टाइप, कि लेग टाइप से आपका क्या है, तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इस चीज के बारे में गाइड करना चाहूंगा, बार बार आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं हमेशा उसी पॉइंट को फोकस करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लगे रहते हैं कि यार इंसेक्ट के अंदर जो उसका ऑर्डर में भी कंप्लीट सब ऑर्डर, ऑर्डर में भी फैमिली, देखो उतना डीप में कई बार ही होता है कि वो कई बार क्वेश्चन पूछ ले। कई बार हम माउथ के पार्ट जो होते हैं उनके ऊपर फोकस करते रहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट हर चीज होती है, ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब उन्होंने बोल दिया कि इंसेक्ट का आपका बेसिक आएगा, बेसिक एंटोमोलॉजी, जैसे ही किसी ने वर्ड बोला
बोला, वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो हमें किस पर फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए जो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अगर उसे हम समझ पाए तो डेफिनेटली आपसे वादा करता हूं कि हमारा जो आंसर होगा वो कभी आपका गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एग्जाम के अंदर आप आंसर क्या कर रहे हैं। तो इंसेक्ट का ऑर्डर आपका क्या है, इंसेक्ट का माउथ टाइप क्या है, आपका विंग टाइप क्या है और आपका लेग का टाइप क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर वे आप जानते हो तो डेफिनेटली आप जो है यहां पर आपके, क्योंकि अभी आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इसका क्या था, आपका लेग का टाइप क्या है, तो यहां पर आपको बता दूं कि इसका जो लेग का टाइप है वो आपका आपका फोजोरियल जो लेग टाइप है वो किस इंसेक्ट में है, वो आपके मोल क्रिकेट में है। और ये किस टाइप का होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस लेग की स्पेशलिटी होती है। हर एक लेग की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर एक विंग की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, वो पर्टिकुलर इंसेक्ट में फाउंड होता है, वो आपको याद करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है कि जो आपका फोजोरियल फेज है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो लेग्स होती हैं वो आपकी इसके अंदर मॉडिफाइड होती हैं, स्पेशली किसके लिए, डिगिंग करने के लिए। किसके अंदर जो आपका फोर लिम्स होते हैं वो आपकी स्पेशली किसके लिए अडॉप्टेड है, डिगिंग करने के लिए, डिगिंग मतलब खोदने के लिए, समझ में आया। कुछ में क्या होते हैं, उसके जो लेग होते हैं वो आपके आवाज करते हैं, है ना, तो वो आपका है। इस चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी डेफिनेटली हम जो है इनका आंसर कर पाएंगे, इनको जो है क्वेश्चन को आंसर करने का हम जो है जहमत उठा पाएंगे। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करते हैं तो लीची एरियनियम माइट बाइट जो है वो आपका कहां से या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब देखो ये आपका फैमिली से क्वेश्चन आया है जिसके अंदर आपका क्या है, टेट्रानी किडे या फिर आपका इरियोफाइट या फिर आपका टेन्यूपल्पाइड या आपका बरेलिडी। तो देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका इरियोफाइट राइट आंसर होगा। पहली बात है यहां पर आपका जो है लीची एरियनियम, मोस्टली क्या होता है कि इनके नेम में कई बार जो चीज होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है, तो उसके बिहाफ पर इसको याद कर सकते हो। ये नहीं कहूंगा कि हर एक के अंदर अवेलेबल है ये चीज, नेम के अंदर हम फैमिली कई बार नहीं आपका फाइंड आउट कर सकते, बट प्लीज ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सो दैट आप इसको जो है डेफिनेटली आंसर कर पाए। मैं आपसे एक बात बता दूं, यहां पर मैं पेपर जरूर डिस्कस कर रहा हूं लेकिन मैं एंटोमोलॉजी स्पेशलिस्ट नहीं हूं। एंटो के रिलेटेड ऑलरेडी आपकी जो है विंग टाइप के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मैम के द्वारा, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि एंटो के ऊपर आपके लिए जो वीडियो है वो अवेलेबल करवा पाए, है ना। आने वाले टाइम के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी जो एंटो के रिलेटेड वीडियो है, मैं एंटो का स्पेशलिस्ट नहीं हूं तो डेफिनेटली मेरे को टर्म्स हैं वो कंप्लीट आपको शायद ना भी बता पाऊं मैं, है ना, तो वो बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि जिस चीज के रिलेटेड आपकी स्पेशलिटी नहीं होती उसको एक्सेप्ट करना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि जो चीज नहीं आती उसको मैं जो है बोल दूं कि मुझे आता है या फिर उसके अंदर मैं पंगे ले रहा होता हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये पेपर जरूर डिस्कस किया जा रहा है सो दैट आपके सामने क्वेश्चन आ सके, है ना। एक बार क्वेश्चन अगर आ गए तो उसके रिलेटेड आप कभी भी क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर सकते हो। पेपर को डिस्कस करने का एक ही मकसद होता है कि जिससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि आपके पेपर में आ क्या रहा है। आप कम से कम जब भी पढ़े, जब भी किसी टीचर से पढ़े तो उससे हिम्मत कर सके कि ये इसके अंदर जो आया वो क्या था, ये जो चीज होती है वो क्या होती है। आपके अंदर क्वेश्चन करने की एक सॉरी गाइस इंटरप्शन के लिए, जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका यहां पर जो है जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है वो किसकी वजह से होता है, वो आपका इंसेक्ट की जो वजह से होता है या फिर आपका यहां पर वायरस की वजह से होगा या बैक्टीरिया की वजह से होगा प्लीज, या फंगस की वजह से होगा प्लीज लेट मी नो। अरे गाइज आप लीफ ऑपर नहीं, लीफ ऑपर इसके अंदर इसका जो है वेक्टर है, लेकिन वेक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है उसका कोई ना कोई एक कोजल ऑर्गेनिज्म तो होगा। कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए प्लीज। वायरस, इंसेक्ट इज द वेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। अक्षय एमपी, विवेक सैनी,
वायरस, शांतनु सिंह, माइकोप्लाज्मा, डियर जो आपका यहां पर ब्रिंजल के अंदर लिटिल लीफ है वो आपका माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है, ना कि आपका वायरस। क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जब हम वायरस की बात करते हैं और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो दोनों में आपका कई बार यहां पर जो है आपका डिफरेंस देखने को मिलता है। आपका वायरस क्या जो है किसकी वजह से होता है या फिर माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका या फाइटोप्लाज्मा का जो डिजीज है वो कैसे होता है, उनमें दोनों में हमेशा आपका जैसे विच ब्रूम है या फिर आपका यहां पर अगर हम बात करते हैं तो फाइलोडी डिजीज है, इनमें आपका कई बार डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है। तो दोनों ही जो सिम्टम है वो आपके वायरस के भी होते हैं और माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा के भी होते हैं। मैं आगे एक क्वेश्चन और भी है इसके अंदर आया हुआ, उसको भी मैं डिस्कस करता हूं कि क्या है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एकेरिसाइड। अब एकेरिसाइड यानी कि जो आपके यहां पर माइट्स होते हैं उनको आपका जो है किल करने के लिए आप यूज करते हो, तो उनमें से कौन सा केमिकल नहीं है, है ना? तो आपका एकेरिसाइड इनमें से कौन सा है ये हमें पता लग गया, तो जो नहीं है वो भी हमें पता लग जाएगा। तो इसके जो केमिकल्स हैं मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आपका जो इंपॉर्टेंट आपके जो केमिकल्स होंगे वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके इंपॉर्टेंट केमिकल आपको पता है तो डेफिनेटली उसके बाद आप हमेशा इनके आंसर कर पाओगे। मैंने क्या बोला कि अगर आपको इनके इंपॉर्टेंट केमिकल पता है तो आप आंसर कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट केमिकल डेफिनेटली गाइज जो बच्चे हैं हमारे साथ उनको हम लिस्ट प्रोवाइड डेफिनेटली करवा देते हैं कि इसके अंदर ये केमिकल आप याद कर लीजिए और ये आपके एकेरिसाइड्स की फॉर्म में, ये आपके फंगीसाइड की फॉर्म में, ये आपके यहां पर केमिकल जो है इसके फॉर्म में यूज होते हैं, तो वो हम प्रोवाइड टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। और बहुत सारे लिस्ट हम ऑलरेडी जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो भी नहीं है बच्चे वहां पर आप जा सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी टाइम टू टाइम जरूर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जो भी हमें हमें लगा कि हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको प्रोवाइड करवा देना चाहिए, वो हम डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज एंड डिस्कशन और हमारे जो मेन चैनल के अंदर प्रोवाइड करवाने का काम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका एसीटैम्प्लेट आएगा, तो प्लीज इसको याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पोलूबिटल इज मेजर। अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं आपके इंसेक्ट या एंटोमोलॉजी, बार बार इसी के क्वेश्चन आपको ज्यादातर दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला कि आपके एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन ही ज्यादातर दिख रहे हैं, और इसी के साथ मैं आपका अगला पार्ट जो लेके आऊंगा उसमें ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो आपके डेयरी के दिखेंगे, है ना? उसके बाद आपका जो देखेंगे उसमें हम एक्सटेंशन के क्वेश्चंस देख ही पाएंगे। तो यानी कि जिस पार्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चीज को एक आप अंडरस्टैंड करिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है वो आपका इंपॉर्टेंट है या नहीं है, है ना? तो वो आप प्लीज, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहां पर पूछे गए उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि केमिकल की बात की जा रही थी एकेरिसाइड की, वो क्वेश्चन बार बार नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जैसे पोलूबीटल जो है वो मेजर पेस्ट क्या किसका है, या फिर आपका मस्टर्ड साफ्लाई है जो वो आपका एग कहां ले करता है, उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका जो जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है उसका वेक्टर कौन है, या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होता है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो आपका एफसी एग्जाम जो आपका एजीएम जो टेक्निकल का एग्जाम है, अगर कोई बच्चा उसके लिए भी जा रहा है तो उसके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्लीज आप टेक्निकल का जो एग्जाम है वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी इंसेक्ट के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि पोलू बीटल जो है वो किस आपका प्लांट का एक मेजर पेस्ट है, तो वो आपका पेपर का, कार्डामम, टर्मेरिक या जिंजर, तो वो आपका पेपर का जो है एक इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है आपका जो है मेजर पेस्ट है। लेकिन ये क्या करता है और कैसे, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका साइंटिफिक नेम है लॉन्गिटार्सिस आपका नेग्रीपेनी, और अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो ग्रब होता है मेनली किसके ऊपर फीड करता है, टिप और आपके किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, या फिर आपका जो मेजरली ग्रोइंग टिप्स होती हैं, ग्रोइंग टिप्स क्या होती हैं, जो आपकी बड बाहर निकल रही होती हैं उनके ऊपर फीड करने का काम करेगा, लीफ पीटियोल पे करेगा, स्पाइक पे भी फीड करेगा, और इसके साथ साथ ये बेरी जो आपकी होती है, जो आपका फ्रूट जो उसके अंदर बात करते हैं, तो वो जब बन रहा होता है उसके ऊपर भी ये अटैक करने का काम करेगा, और जब ये अटैक करता है बेरी के ऊपर तो अंदर जाके उसको खोखला कर देता है, बिल्कुल आपका खाली कर देता है, तो उस कंडीशन को वहां पर पोलू बोलते हैं, और उसी वजह से इस बीटल को भी नाम क्या, गाइस बीच में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है जी।
तो आप में से क्वेश्चन पूछा कि सर एफसीए का एग्जाम कब होगा। देखिए डियर, एफसीए का एग्जाम जो है उसके ऊपर अभी कोई एक अंदाजा लगाना कि कब होगा बहुत डिफिकल्ट है। प्लीज ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब नहीं होगा, इन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि हमारा एग्जाम जो होगा उसको हम ग्रैब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो कंप्लीट वेस्ट हो जाता है। तो कंप्लीट अगर वेस्ट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हम इन चीजों में लगे रहते हैं, एग्जाम कब होगा, ये चीज कब आएगी, कुछ आपकी लगातार जो है कई बार हम देखते हैं मतलब लोग जो है बिना मतलब की पोस्ट डालते रहते हैं कि ये चीज अब होगी, ये चीज अब होगी, क्योंकि उन्हें मतलब होता है अपनी YouTube को प्रमोट करना, सोशल मीडिया पे छाए रहना। देखिए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला डियर, आप इन चीजों के चक्कर में मत पड़े। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉर्मली आपस में डिस्कशन करते हुए कोई बात को बना लेते हैं और वही बात आपकी अपडेट होती रहती है, फिर लोगों के पास पहुंचती है कि ये चीज ऐसा हो गया। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता किसी को कोई नहीं पता होता। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं 7 से 8 मेरे साथ एफसीए के जो आपके कम से कम अगर हम बात करें 7 से 8 भी नहीं 10 से 12 भी होंगे, है ना। तो इतने कम से कम एम्प्लॉय जो है वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी नॉलेज इसके बारे में नहीं है, है ना। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम इनमें टाइम वेस्ट ना करें और अपना ज्यादा फोकस करें कि हमारा एग्जाम जो आने वाला है वो कैसा आने वाला है, उसके ऊपर हम जितना मैक्सिमम स्टडी करेंगे। आपको तो टाइम ज्यादा मिल रहा है तो बेनिफिट हो रहा है ना, 16 मई को एग्जाम हो गया होता तो क्या पढ़ते आप लोग, क्या मेहनत करते आप लोग, क्या क्वेश्चन मिलते आपको। अगर 2 महीने ज्यादा मिल रहे हैं तो 2 महीने अच्छे हैं, अपना एग्जाम तो डेफिनेटली होके रहेगा। ये चीज याद रखिए माइंड में, ये चीज रखिए, आपका एग्जाम को कोई क्रैक करने से रोकने वाला नहीं है। मन में एक अपना जस्ट पॉजिटिव फीडबैक रखिए कि हाँ डेफिनेटली हम कर पाएंगे यार, और डेफिनेटली अगर हमने कर दिया तो हम क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है जो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। आप एग्जाम में बैठने वाले हो, आपके अलावा कोई और एग्जाम में नहीं जाने वाला है, तो ना तो मैं जाने वाला हूं ना कोई और पर्सन जाने वाला है, वो आपको टाइम वेस्ट करते रहेंगे और इसी प्रकार से अगर वेस्ट होता रहा तो आपका जो है डेफिनेटली इसके अंदर कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज इस चीज को माइंड में रखिए कि आप ही हो और आपके अलावा कोई और नहीं है, तो इसी चीज को फोकस करना है। डियर ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखिए तो सही, ऑर्गेनिक फार्मिंग का वीडियो है यहां पर। महनूर खान ने क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का लेक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी है और कोशिश करें कि और भी वीडियोस आपके लेके आए, डोंट वरी, है ना, प्रोवाइड करवाता रहूंगा टाइम टू टाइम। चलिए वापिस हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है टी शेप्ड मार्किंग ऑन मार्बल साइज मैंगो फ्रूट इज ए सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय, कि आपका जो टी, आपकी टी मतलब ये नहीं कि चाय वाली टी नहीं है, ये इस शेप के क्या होते हैं फ्रूट के ऊपर कई बार आपके सिम्टम्स अपियर हो जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि अब जैसे कई बार बोलते हो कि सर टी शेप हो गया, कहीं आप बोलते हो ट्रायंगल शेप हो गया, है ना, या फिर आप बोलते हो कि एंगुलर लीफ स्पॉट आपके जो है क्रिएट हो जाते हैं, इस प्रकार के जो टिपिकल, आपके टिपिकल का मतलब क्या होता है कि एक एग्जैक्ट कि हाँ ऐसा कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे जब भी टिपिकल आपके सिम्टम्स होते हैं वो किसी ना किसी आपके जो है पर्टिकुलर डिजीज से या पर्टिकुलर इंसेक्ट से कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। तो वो हमारे जो टिपिकल सिम्टम है उनको जरूर याद करके जाइएगा। मैं एक आपको लिस्ट जो है आज नहीं कल डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे एक लिस्ट मिल जाएगी कि इनके जो है एग्जैक्ट और इनके सिम्टम क्या है और इनके क्या नाम है ना, तो वो आपको एक लिस्ट डेफिनेटली कल इवनिंग तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दी जाए, वहां पर जाके इसको जो है आप फाइंड आउट कर लेना, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। कल शाम तक वेट करिएगा, डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका नट वीविल जाएगा, नट वीविल मैंगो जो नट वीविल होता है उसकी वजह से टी शेप मार्किंग जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो प्लीज ये चीज आपका जो है आंसर यहां पर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। मैंने बोला था ना कि माउथ पार्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं और अगेन आपका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ जो पार्ट है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, कोलियोप्टेरा से बिलोंग करते हैं, लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं, ट्राइकोप्टेरा से बिलोंग करते हैं या फिर डायप्टेरा से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली आपको आंसर तो इसका मिल ही गया है कि डायप्टेरा से बिलोंग करेगा। डायप्टेरा जो है वो आपका यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर है किसके लिए, स्पॉन्जिंग टाइप जो होते हैं। अब देखो पियर्सिंग और सकिंग, अगर हम बात करें तो पियर्सिंग एंड सकिंग का मतलब क्या होता है, स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है,
होता है साइफोनिंग का मतलब क्या होता है, स्पॉन्जिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका माउथ पार्ट जो होता है, जैसे हमारी मक्खी की बात करते हैं ना, तो मक्खी क्या होती है, माउथ जहां भी रखते हैं तो उसके अंदर स्पॉन्जिंग टाइप जो होता है वो आपका माउथ उसका अवेलेबल होता है ना, उसके ऊपर माउथ में जो आपके इस प्रकार के जबड़े नहीं होते हैं लेकिन कंप्लीट वो एक स्पॉन्जिंग टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है, वो वहां पर जहां पर भी लगता है वहां से वो सैप जो है वो आपका चूसना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपका पियर्सिंग एंड सकिंग जो कि आपके मॉस्किटोज में अवेलेबल होता है ना, उसमें क्या होता है जैसे एक सुई आपके अंदर जाती है ना, आपको पता होगा कि जैसे आपके मॉस्किटो कट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो वो आपको जैसे कट करते हैं तो अंदर एक ऐसे मतलब ना लगता है कि हाँ हमारे अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने चुभोया है, तो वो आपका एक निडल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके अंदर जब जाता है तो उसी से वो क्या करते हैं अपना सैप को या फिर आपका जो ब्लड है उसको सक करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है कि फिनोक्सीकार्ब इज ए, फिनोक्सीकार्ब जो है वो क्या है, जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग, काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, एकेडिस स्टेरॉइड या फिर आपका निकोटिनॉइड। देखिए गाइस आपको एक बात बताता हूं यहां पर कि आपके जो केमिकल हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, आपके जो केमिकल्स हैं उनको क्या किया गया है कि आपका जो केमिकल है उनको पहले तो फर्स्ट जनरेशन के थे, फिर सेकंड जनरेशन के आए, फिर आपके थर्ड जनरेशन के आए, फिर आपके फोर्थ जनरेशन, और उसके बाद शायद अभी आपके फिफ्थ जनरेशन के आ सकते हैं अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में आएंगे तो, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या था, इनमें सबसे पहले कि आपके ये जो अलग अलग फिर उनको क्या किया गया, क्लासेस में डिवाइड किया गया कि केमिकल जो थे उनको कार्बामेट ग्रुप में या फिर आपका जो है क्या कहते हैं मतलब जो आपके केमिकल एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल है उसके ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में, है ना, तो उनके अलग-अलग केमिकल में क्या किया गया, ग्रुप में क्या किया गया, उनको डिवाइड किया गया। उसके बाद क्या है कि जो हमारे ये केमिकल हैं उनको जुवेनाइल मतलब वो किस पार्ट पे अटैक करते हैं, मतलब किस पार्ट, जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा आपका जब हम हर्बिसाइड को पढ़ते हैं तो हर्बिसाइड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है कि हमारा ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, ये आपका जो है सिस्टमिक हर्बिसाइड है, है ना। उसी प्रकार से आपके जो है केमिकल भी होते हैं, केमिकल आपके क्या होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, है ना, जैसे कॉन्टैक्ट आपके यहां पर पेस्टिसाइड्स होंगे, कॉन्टैक्ट में क्या होता है जैसे ही आपके ऊपर गिरा वो आपका इफेक्ट कर देगा। सिस्टमिक का मतलब क्या होगा, वो आपके अंदर जाएगा, वो आपकी बॉडी के अंदर, जैसे देखो सिस्टमिक का मतलब क्या होता है और आपका स्टमक का मतलब क्या होता है, इन चीजों को समझिए। ये बार बार ये नहीं कि आप मतलब किसी से पूछते फिरोगे कुछ समझोगे, ये चीज आपकी समझने वाली चीजें हैं ना। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे हमारा यहां पर बोला गया जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग, मतलब क्या होता है इसका कि जो जुवेनाइल हार्मोन होते हैं उसकी जो स्टेजेस होती है एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज के ऊपर जा ही नहीं पाएगा, वो आपका अगर ग्रब है तो ग्रब से वो आपका इंसेक्ट के अंदर जो पर्टिकुलर उसकी अगली स्टेज है वो नहीं बना पाएगा, एग से वो अगली स्टेज नहीं बना पाएगा। तो इससे क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर कई बार क्या होते हैं इंसेक्ट की एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, वो अगर कोई स्टेज में पड़ा हुआ है तो उस स्टेज में वो डोरमेंट स्टेज में भी हो सकता है, उस स्टेज में वो एक्टिव स्टेज में भी हो सकता है, वो आपकी स्टेज, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए तो वो आपका क्या होता है, पहले एग होता है, फिर आपका लार्वा होता है, फिर आपका जो है निम्फ होता है, फिर आपका एडल्ट होता है ना। तो वो आपका जब लार्वा या निम्फ या फिर एडल्ट स्टेज में होता है तो वो अटैक करता है अलग अलग पोजीशन में, है ना, तो वो जब अटैक करता है तो उसकी पोजीशन अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग होती है, उनको उसको ग्रोथ करने से रोकना कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ना जा पाए। मान के चलिए अगर हमारा इंसेक्ट जो है वो लार्वा स्टेज में है और वो कोई अटैक नहीं करता है और वो जब लार्वा स्टेज से जैसे ही एडल्ट में जाएगा वो क्या कर देगा, आपके प्लांट के ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देगा, प्लांट को अटैक करना स्टार्ट कर देगा, प्लांट को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा, तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या होता है, जो फिनोक्सीकार्ब है वो एक कार्बामेट आपका इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि आपका क्या करेगा, ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करेगा। जितने भी हमारे ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, देखो ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है कि जो ग्रोथ को रेगुलेट कर दे, जैसे पंखे का रेगुलेटर आप लोगों ने देखा होगा, पंखे का रेगुलेटर क्या करता है, जो हमारे आपकी स्पीड को पंखे को यानी कि फैन की स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज भी कर देगा और फैन की स्पीड को डिक्रीज भी कर देगा और बंद भी कर देगा, उसी प्रकार से रेगुलेटर का काम होता है। रेगुलेटर आपके दोनों काम करता है, प्रमोट करने का भी और रिटार्ड करने का भी। ग्रोथ को प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, जो प्रमोट होता है ग्रोथ आपकी आगे बढ़ती है, और रिटार्ड करने का मतलब क्या होता है, ग्रोथ उसकी रुक जाती है, है ना। तो इस चीज से समझिए, यहां पर ग्रोथ रेगुलेटर जो है आपका एज ए वर्क कर रहा है, तो मतलब उसको कम भी कर सकता है ज्यादा भी कर सकता है, कैसे, इट हैज ए लो टॉक्सिसिटी, मतलब इसकी लो टॉक्सिसिटी होती है किसमें, आपके बी बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, इसकी बहुत कम टॉक्सिसिटी होती है।
है, लेकिन आपकी जो यहां पर जो फिश है, मछलियां हैं, उनके लिए ये क्या होता है, टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेगा, इट प्रिवेंट इमेच्योर इंसेक्ट फ्रॉम रीचिंग मैच्योरिटी बाय मिमिकिंग जुवेनाइल हार्मोन। क्या बोला कि आपका वहां पर क्या करेगा, ये जुवेनाइल हार्मोन क्रिएट करके उसको मैच्योरिटी तक पहुंचने से रोकेगा। मैंने ऑलरेडी बताया था ना कि एक स्टेज में जब होता है तो उसको दूसरी स्टेज में जाने से रोक देता है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या है, कोकिनियल इंसेक्ट प्रोड्यूसेस क्रिम्सन कलर डाई विच इज। क्या बोला गया कि जो आपके कोकिनियल इंसेक्ट हैं वो आपका एक क्रिम्सन कलर डाई को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, फॉर्मिक एसिड है, कार्मिनिक एसिड है, या फिर आपका लिपोफोरिन है, या लोरिक एसिड है। तो ये हमें पता है कि ये हमारा कार्मिनिक एसिड है। देखो पता नहीं होता है लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, इन चीजों को समझना पड़ता है। क्या बोला गया यहां पर कि कार्मिनिक एसिड इज ए रेड क्रिम्सन एंथ्रोक्विनोन कलर मैटर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक आपका कलरिंग मैटर होता है दैट अकर नेचुरली इन सम इंसेक्ट लाइक कोकिनियल। क्या बोला गया कि कुछ जो कलर होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एक इंसेक्ट के जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ तो उनसे हमें मिलते हैं ना। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपके सिल्क की बात करते हैं, तो सिल्क क्या है, एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है। लैक हमारा जो हमारा लाख होता है, जिसको आप लाख भी बोलते हैं, वैसे लैक कल्चर हम बोलते हैं, है ना, हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो उनसे हमारे जो आपके केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे हमारा क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। जैसे हम लैक कल्चर की बात करते हैं तो लैक इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है, और उसी के साथ हमारा अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर जो हमारा क्या कहते हैं सिल्क है, सिल्क के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा उसका, क्योंकि उसका कुकून होता है ना, उसका कुकून हमारे लिए हेल्प होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपका हनी बी का जो हनी होता है ना, जो आप शहद खाते हो, एक्चुअल में उसको कई बार लोग बोल देते हैं कि वो आपका उल्टी है, या फिर आपका बोल देते हैं एक्सक्रीट है ना। तो बिल्कुल ये बात हमें समझना पड़ेगी कि ये जो हमारा यहां पर आपका जो है क्या कहते हैं कि बेनिफिशियल इंसेक्ट है, उनके इंसेक्ट से जो कुछ हमें प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमें मिल रहा है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कहां हम यूटिलाइज करते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका यहां पर क्रिम्सन कलर डाई है वो आपके कोकिनियल इंसेक्ट, जिसको आप कोकस कैक्टाई भी बोलते हैं, है ना, इसका साइंटिफिक नेम है, तो वो हमारा उससे क्या होता है, ये आपकी कार्मिनिक एसिड जो है वो आपका एक एज ए डाई या एज ए कलरिंग मैटर यूज किया जाता है, और उस इंसेक्ट से क्या होगा, हमें ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा कॉमन सिम्टम कोज बाय फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन इज, जो आपका फाइटोप्लाज्मा होता है उसके द्वारा जो कॉमन सिम्टम आपका प्रोड्यूस किया जाता है, कॉमन सिम्टम आपको दिखता है, वो आपका क्या होगा, आपका ब्लाइट होगा, इनेशन होगा, विल्ट होगा, या फिर फाइलोडी होगा। देखिए गाइज, आपका मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपके वायरस और जो यहां पर फाइटोप्लाज्मा होते हैं, इनमें दोनों में कई बार हम क्या करते हैं, सिम्टम में कंफ्यूज रहते हैं। ये सिम्टम क्या क्या होते हैं, येलोइंग, विसेस ब्रूम, या फिर आपका स्टंटिंग एंड मालफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर आपका यहां पर फाइलोडी। तो ये आपका मेनली जो फाइलोडी है, मेनली जो आपका यहां पर देखा जाता है वो आपके फाइटोप्लाज्मा से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो प्लीज इन चीजों को याद रखिएगा कि कहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोनों को कई बार ज्यादातर मैक्सिमम याद रखना कि इनके इंसेक्ट के अगर सिम्टम आ जाए और वहां पर ये लिखा है तो याद रखना मैक्सिमम टाइम में इन दोनों को कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। अगर कर भी दिया गया तो उस समय यह ध्यान रखिएगा कि इनमें से मेन जो है वो आपका पर्टिकुलरली किस प्लांट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। जनरली पूछा गया है, प्लांट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, पर्टिकुलरली किसी एक कंडीशन के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो वो चीज जरूर याद रखिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते हो हमेशा याद रखें कि आपके इसके सिमिलर में ऑप्शन में क्या है, इसके साथ में ऑप्शन क्या है, जिससे हम इजिली उसका आंसर कर पाए। हमेशा याद रखिएगा गाइस, उससे क्या होगा, हमें यहां पर क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत आसानी होगी, और दूसरा हमें हेल्प मिलेगी कि ये जो चीज हमारी हम डिस्कस कर रहे हैं या जो हमने पढ़ा हुआ था वो हमारे एग्जाम में जब आता है तो हमें ये बेनिफिट होता है, हमें जो फायदा मिल जाता है इस चीज का। ठीक है, तो प्लीज ये चीज जरूर याद रखिएगा, यहां डिस्कशन करने का केवल यही मतलब है। मैं आपको फिर बार बार बोलूंगा कि मैं यहां पर आता हूं तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि केवल मैं ही आपको पास करवा पाऊंगा, कुछ से मतलब नहीं होता। आप जब भी स्टडी करने के लिए जाते हैं, देखो क्वेश्चन जो था वो एज इट इज आपको सामने आपके घर में भी भेजा जा सकता था, एज इट इज में क्या करता, आपको टेलीग्राम में ये क्विज दे देता, बिल्कुल दे देंगे हम, क्विज भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ये सेम क्विज। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जब यहां वीडियो में हम आते हैं तो वीडियो में केवल आपको इतना बताना कि देखो भाई ये कॉमन सिम्टम है फाइटोप्लाज्मा का, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका फाइलोडी होगा। समझ गए ना, समझ गए, इससे क्या हो गया,
क्या मैंने आपको कोई नया बता दिया काम? जब तक मैंने ये बातें नहीं बताई आपको, तब तक आपको कोई फायदा नहीं है मेरी वीडियो का यहां पर। जब भी आप वीडियो को देखते हो केवल आंसर के लिए और केवल इन चीजों के लिए वीडियो मत देखिए कि आपका यहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन दुनिया के अंदर जहां आप देखोगे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। उस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यह होता है कि उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया या नहीं दिया गया। अगर वो एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलरली बेस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है कि आप उस वीडियो को देख रहे हैं। वो वीडियो के अंदर आपने जब 10 मिनट भी वेस्ट किए हैं तो वो आपके वेस्ट है। मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैं भी ऐसा कर रहा हूं तो इतनी बात याद रखिएगा कि उसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, क्वेश्चन को टिपिकली हमें समझना कैसे है, वो चीज आपको यहां पर समझना बहुत जरूरी है। तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए या आने वाले एग्जाम को आप क्रैक कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो एस्टैब्लिश फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस एज ए कॉजल एजेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कि आपका जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है उसका कॉजल ओरिजिन क्या है? फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस है। और वो आपका किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया या डिस्कवर किया गया, किसने उसके ऊपर सबसे पहले आपका यहां पर प्रोवाइड करवाने का काम किया? तो सबसे पहले जो प्रोवाइड करवाने का काम था वो किसने किया था? एंटनी डेब्री ने किया था। लेकिन अब इसका मतलब केवल यही नहीं है कि हमें फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस पढ़ लिया, इसका आंसर मिल गया, हो गया। नहीं, अब ये जानो कि फाइटोफ्थोरा की वजह से सबसे पहले या सबसे बड़ा क्या आपका कांड हुआ था। तो आयरिस फेमाइन के बारे में जानते हो सबसे बड़ा, है ना? तो ये हमारा फेमाइन आया था। किसकी वजह से आया था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, है ना? तो उसी के रिलेटेड एक दो चीजें और याद कर लिया करो। कैसे? कि जैसे आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से आयरिस फेमाइन आया था, तो बंगाल फेमाइन किसकी वजह से आया था? बंगाल फेमाइन। अब ये किसके अंदर था? सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा, अरे भाई राइस के अंदर था। तो राइस के अंदर था तो वहां पर आपका ब्लाइट था या फिर आपका यहां पर जो है, अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपका राइस के अंदर ये ब्लाइट होता है या फिर आपका ब्राउनिंग होता है या फिर उसके अंदर कोई टुंगरो वायरस था, तो वो क्या था कि उसके अंदर जो है आपका इंसेक्ट कौन सा अटैक कर रहा था? वायरस अटैक कर रहा था, फंगस अटैक कर रहा था, तो कौन सा अटैक कर रहा था राइस के अंदर? बंगाल फेमाइन जो हुआ था किसकी वजह से आया था? बंगाल फेमाइन किसकी वजह से था? फंगस की वजह से था, बैक्टीरिया की वजह से था या वायरस की वजह से था? प्लीज राइट मी द आंसर। ब्राउन स्पॉट था, ब्लाइटिंग था या फिर क्या था? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे अक्षय, सिंपी, शांतनु, विवेक सैनी, साक्षी, ब्राउन स्पॉट, वेरी गुड। और ब्राउन स्पॉट की अगर हम बात करते हैं तो किसका कॉजल ओरिजिन क्या होता है? पायरिकुलेरिया और आइजे है या फिर कोई और है? वहां पर आंसर पायरिकुलेरिया और आइजे है या फिर कोई और आंसर जाएगा? या जेंथोमोनास कॉम्पेस्टिस जाएगा? वेरी गुड, पायरिकुलेरिया और आइजे नहीं जाएगा क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पायरिकुलेरिया और आइजे फिर किसके लिए जाएगा? अगर आप हेल्मिंथोस्पोरियम और आइजे बोल रहे हो इसके लिए आंसर, आपका ब्राउन जो आपका यहां पर होता है ब्राउन स्पॉट होता है उसके लिए, तो आपका यहां पर हेल्मिंथोस्पोरियम और आइजे है इसके लिए। तो पायरिकुलेरिया और आइजे किसके लिए आंसर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना? कि आपका ब्लास्ट के लिए राइट आंसर है सबसे पहले। जी जशनप्रीत, बिल्कुल सही बोला, है ना? कि आपका यहां पर, सॉरी आकृति, कि ब्लास्ट के लिए जो है आपका यहां पर आंसर है। देखो जब भी हम बात करते हैं ब्राउन स्पॉट और ब्लास्ट दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्राउन स्पॉट जो है वो हमारा यहां पर जो होगा वो किसकी वजह से होगा? हेल्मिंथोस्पोरियम और आइजे की वजह से होगा। लेकिन जब भी हम बात करेंगे ब्लास्ट की तो वहां पर पायरिकुलेरिया और आइजे आएगा। तो ये हमारा तरीका होता है कि इनको डिजीज को कैसे याद करें। और एक डिजीज नहीं, जब भी डिजीज आ जाए सारे डिजीज को फाइंड आउट कर लो। उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए डिजीज अगर आ रहा है तो प्लांट को फाइंड आउट कर लो, उस प्लांट के लिए जितने भी डिजीज है उनको फाइंड आउट कर लो। डिस्कशन जितना करोगे मैक्सिमम ग्रैब कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना डिस्कशन का फायदा मिलता है उतना किसी चीज का नहीं मिलता है। लेकिन डिस्कशन वैलिड होना चाहिए, यह नहीं कि आप एक मिनट डिस्कशन कर रहे हो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या होती है जब डिस्कशन करते हैं? यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब भी हम डिस्कस करते हैं ना तो उस
हमें, हम दो मिनट तो टॉपिक डिस्कस करते हैं फिर हमारी राम कहानियां स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारे जो है कभी कोई आपका अर्जुन होता है, कभी आपका युधिष्ठिर होता है, कभी आपकी गाथाएं चलती है ना दुर्योधन की, तो वो आपकी कहानियां हम गढ़ने लग जाते हैं, फिर कोई फायदा नहीं होता, फिर उस डिस्कशन का कोई नतीजा नहीं निकलता है, वो आपका बिल्कुल आपकी जो है नल है, उसके अंदर से आपने कुछ भी ग्रैब नहीं किया है। डिस्कशन कर रहे हो तो वो आपका वैलिड होना चाहिए, है ना, उसके अंदर क्या आपने ग्रैब किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आपके कितने निकल के आए, वो क्वेश्चन आपके कैसे थे, वो होता है डिस्कशन। समझ में आया सभी लोगों को, है ना? तो प्लीज ये चीज जरूर याद रखिएगा कि आपका यहां पर डिस्कशन जो है वो हम क्या करते हैं। बिल्कुल, चलिए गाइस आगे हम बिल्कुल भैया आपने सही आंसर बताया, वसुदेव वसुदेवा पूजा वसुदेवा त्राशा मंजिंदर, बिल्कुल सही है आपका आंसर यहां पर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगिसाइड इज नॉट सिस्टेमिक इन नेचर, कि आपका कौन सा फंगिसाइड जो है वो आपका यहां पर सिस्टेमिक नहीं है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि सिस्टेमिक का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है। सिस्टेमिक जो आपका अंदर जाके इंटरनली जाके इफेक्ट करेगा, और कॉन्टैक्ट जो है वो बाहर से आपका अटैक करता है, तो इन चीजों को समझने की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हमारा यहां पर जो सिस्टेमिक फंगिसाइड है वो आपका कौन सा नहीं है, तो कैप्टन कार्बेंडाजिम एंड आपका मेटालेक्सल, ये तीनों के तीनों आपके यहां पर क्या है, सिस्टेमिक फंगिसाइड है। बट यहां पर जो डायथेन M45 है ये आपका सिस्टेमिक फंगिसाइड नहीं है, ये नॉन सिस्टेमिक है। तो प्लीज इस चीज को यहां पर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आपका अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलेनेशियस क्रॉप इज कॉज्ड बाय, अब बैक्टीरियल विल्ट जो है वो सोलेनेशियस क्रॉप में किसकी वजह से होता है, ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्टिस पीवी जो आपका कॉम्पेस्टिस है, या फिर आपका एडविनिया क्रोटोवेरा है, या फिर आपका पैक्टोबैक्टीरियम एट्रोसेप्टिकम है, या आपका रालस्टोनिया सोलनेशियरम है। बिल्कुल आपका यहां पर रालस्टोनियम सोलनेशियरम ही इसका आंसर जाएगा। अब ये देखिए बैक्टीरियल बिल्ड जो है वो आपका किस में हो रहा है, तो यहां पर जब हम बैक्टीरियल बिल्ड की बात करते हैं किसके अंदर, जैसे कॉटन के अंदर बात करते हैं, तो कॉटन के अंदर जो एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन होता है उसमें कौन आता है, ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्टिस पीवी मालवेशियरम, पीवी क्या होता है वहां पर, पैथोवार होता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो आपका यहां पर जो है क्या कहते हैं आपके, जब इनकी बात करते हैं डिफरेंट आपके यहां पर अगर हम बात करें तो सिट्रस की है ना, तो सिट्रस में क्या होता है आपका ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्टिस पीवी कॉम्पेस्टिस होता है। तो प्लीज इनको यहां पर जरूर याद करिएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किसके रिलेटेड आ रहा है, किसके रिलेटेड पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या जाएगा वहां पर आपका आंसर जाएगा। और विल्टिंग में भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि आपके विल्टिंग जो है वो फंगस की वजह से हो रहा है, या फिर आपका बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, या फिर आपका वाटर की वजह से हो रहा है। हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, हम उसके अंदर येलोइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपका अल्टीमेट ड्राई हो रहा है, या फिर उसके लीफ के अंदर आपके मार्जिन जो है वो आपके जल रहे हैं, वो आपका किस प्रकार का है, नेक्रोसिस तो नहीं हो रहा उसके अंदर, नेक्रोसिस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये नेक्रोसिस होता क्या है। देखिए नेक्रोसिस एक्चुअल में हम क्या बोल देते हैं, डेथ ऑफ सेल बोलते हैं, लेकिन नेक्रोसिस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि नेक्रोसिस इज नॉट एक्चुअली डेथ ऑफ सेल, इट्स अल्टीमेटली यू कैन से दैट ए नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस इन द सेल, या कैन कह सकते हो कि सेल आपका ऐसी कंडीशन में चला जाता है जहां से वो रिवर्स नहीं हो सकता है, जहां से वो वापिस आपका सही नहीं हो सकता है, और वो आपका एक प्रकार से जो है बाद में जो है जब अल्टीमेटली ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें बाद में क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखने का, हाँ बिल्कुल आपका दिया होता है, जब गूगल पे सर्च करते हो हर जगह सर्च करते हो तो मिलेगा यही कि आपका नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ सेल। मैं कोई थ्योरी से अलग नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर नेक्रोसिस का मतलब क्या है, होप सो आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइस टुंग्रो बेसिलीफॉर्म वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, क्या बोला यहां पर कि राइस टुंग्रो जो बेसिलीफॉर्म वायरस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ग्रीन लीफ ओवर के द्वारा, या फिर आपका यहां पर एफिड्स के द्वारा, या फिर आपका यहां पर जो है व्हाइट फ्लाई के द्वारा, या फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहां पर नेमाटोड्स के द्वारा। प्लीज वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर कि हमने क्या बोला कि किसके द्वारा जो है यहां पर आपका राइस जो टुंग्रो वायरस है वो आपका स्प्रेड होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो हमारा क्या होता है, दो वायरस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायरस है, पहला है राइस टुंग्रो बेसिलीफॉर्म वायरस और दूसरा आपका है राइस टुंग्रो स्फेरिकल वायरस, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि ये हमेशा दो आपके यहां पर वायरस की वजह से होता है, और इसका जब भी हम बात करते हैं तो ग्रीन लीफ होपर जो होता है वो इसके लिए ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन लीफ ओपर इस वायरस को क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम करेगा, या एज ए वेक्टर वर्क करेगा। बिल्कुल सही वंदना ने ये जो है आपका आंसर बिल्कुल सही बताया है।
विवेक सैनी क्रिएटिंग ए वीडियो ऑन ई टेक्नोलॉजी. बिल्कुल ई टेक्नोलॉजी जो आपका एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली लेके आऊंगा. एक वीक लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली, वन वीक के बाद हम जरूर इसको अपलोड करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे. डोंट वरी, है ना, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से कि ई टेक्नोलॉजी जो आपका एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं उसको हम यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन सा ऐप डेवलप किया गया है, क्यों डेवलप किया गया है, पर्पज क्या है, वो डेफिनेटली हम, क्योंकि ये प्रिसीजन फार्मिंग का पार्ट आ जाता है और आजकल प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में काफी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा. हम डिस्कशन जरूर करेंगे इसको जैसे ही नेक्स्ट वीक मेरे को टाइम मिलता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पनामा विल्टोफ बनाना इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम. आपका स्पीशीज यहां पर जो है सिसेरिस है, या फिर आपका स्पीशीज क्यूबेंस है, या फिर आपका फ्यूजेरियम ओडुम है, या फिर आपका फ्यूजेरियम की स्पीशीज यहां पर जो है आपका कोपेरिसिसी है. तो इसके अंदर याद रखना कि फ्यूजेरियम का जो आपका क्यूबेन स्पीसीज होता है वो यहां पर आपका जो है कोज करता है क्या, पनामा विल्ट. और इसके लिए याद रखना कि साइन ऑफ डिजीज मोस्टली इन मोस्ट ऑफ वेराइटी इज विल्टिंग एंड लाइट येलो कलरिंग ऑफ द लोअर लीव्स मोस्ट प्रोमिनेंट राउंड द मार्जिन. क्या बोला गया कि जो यहां पर येलोइंग हो जाएगा, और येलोइंग ज्यादातर कहां देखने को मिलता है, जो मार्जिन होते हैं आपके लीफ के उसके ऊपर जो है ये येलोइंग देखने को मिलेगा. तो प्लीज इस चीज को भी याद रखिएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंगल बायो कंट्रोल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट सोयल बोर्न पैथोजन. क्या बोला गया कि आपका कौन सा एक एग्जांपल है किसके लिए, फंगल बायो कंट्रोल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट सोयल बोर्न पैथोजन. अब यहां पर क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया आपका स्यूडोमोनास वगैरह, या फिर अगर हम बात करें तो इनमें से कई बैक्टीरिया को जी गाइज. तो अब यहां पर हमें समझ में आ, देखिए हमने क्या पूछा कि यहां पर कौन सा बायो कंट्रोल. एक्चुअल में क्या हो रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक जा रही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. तो क्वेश्चन हमारा क्या क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, इज दैट आई एम नॉट ऑडिबल. आ रही आवाज यार, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, इज दैट आई एम ऑडिबल, प्लीज लेट मी नो कि क्या आपको आवाज आ रही है यहां पर. एक बार बताइएगा जरा सभी बच्चे कि आवाज आ रही है आप लोगों को यहां पर. ओके सो गाइस, हम बात कर रहे थे कि यहां पर कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो इफेक्टिव रहेगा किसके लिए, सोयल बोर्न पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए. तो याद रखना बेसिलस जो होता है, सॉरी आपका जो ट्राइकोडर्मा जो होता है उसे आप डेफिनेटली यूज करते हो किसके लिए, आपके यहां पर मोस्टली बैक्टीरिया को जो है कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, तो आपका एज ए सॉरी फंगल जो आपके डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए. ये देखिए यहां पर आपका जो बेसिलस है, स्यूडोमोनास है, या ट्राइकोडर्मा है, तीनों को ही आप यहां पर यूज करते हो एज ए फंगल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए एज ए बायो कंट्रोल एजेंट. लेकिन यहां पर याद रखना कि जो आपका ट्राइकोडर्मा है वो बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज किया जाता है. दे आर द कॉमन सेप्रोफिटिक फंगस फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी सोयल एंड राइजोस्फेरिक माइक्रोफ्लोरा. क्या बोला गया यहां पर कि ये कोई भी सोयल के अंदर, या फिर आपके जो राइजोस्फेरिक, राइजोस्फेरिक क्या होता है कि जो आपका यहां पर रूट के आसपास का एरिया है उसमें वो फाइंड आउट होता है, उसमें जो है आपका यहां पर ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, आपका ट्राइकोडर्मा जो है मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जिसे आप यूटिलाइज करते हो. तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपका बेसिलस नहीं यूज किया जाएगा या स्यूडोमोनास नहीं यूज किया जाएगा. मैंने सबसे पहले यही बात बोली थी कि दोनों को हम यूज भी करते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा हम फिर बोलेंगे. यहां पर एक बात और समझाना चाहूंगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें बेस्ट क्या है वो हमें चूज करना पड़ता है, और बेस्ट अगर चूज करते हैं तो उस समय हमेशा याद रखना हमारा कॉन्सेप्ट ही हमें आगे लेके जाएगा. जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे. सो सबसे पहले और मस्ट आपका यह है कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सो गाइस इस चीज के लिए जरूर, और देखिए हमेशा याद रखना, कहते हैं ना जो बेस्ट होता है वही आगे जाता है. कोई भी आप बोलते हो ना कि एक जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो ऑर्डिनरी पर्सन से कैसे अलग होता है, तो हमेशा उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा ही अलग लगा होता है और कुछ नहीं, है ना. तो वो आपका हमेशा एक्स्ट्रा जा पाता है. कोई भी चीज आप कोई भी कर रहे हो तो उसमें एक एक्स्ट्रा रहिए, कभी किसी चीज को दिल पे मत लीजिए, आगे बढ़िए, है ना, नॉर्मली वही आपके लिए बेस्ट है. चलिए, तो यहां पर हमारा क्या है कि आपका मेथड
ट्रांसमिशन ऑफ लूज मट ऑफ वीट पैथोजन इज, कि आपका यहां पर जो लूज मट ऑफ वीट है वो कैसे आपका यहां पर ट्रांसमिशन हो पाता है, आपका एक्सटर्नल सीड बोन, इंटरनल सीड बोन, सोयल बोन या फिर आपका एयर बोन, क्या बोला गया यहां पर कि वो आपका किस प्रकार से। तो आपको पता होगा, देखिए लूज स्मट यहां पर, अब स्मट की जब भी हम बात करेंगे याद रखना, स्मट डिजीज जितने भी होते हैं वो एक्सटर्नली सीड बोन होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। क्या बोला गया कि स्मट जितने भी होते हैं वो आपके एक्सटर्नली सीड बोन होते हैं, लेकिन यहां पर याद रखने का कि मोस्टली आपका सारे के सारे जो आपके हैं क्या हैं कि एक्सटर्नल हैं, लेकिन जो आपका लूज स्मट ऑफ वीट और बार्ले जो होता है वो आपका इंटरनल सीड बोन होता है। और ये जो एक्सटर्नल सीड बोन के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कॉमन बंट आपका है, फ्लेक्स स्मट ऑफ वीट है, या फिर आपका क्वार्ट्स स्मट ऑफ बार्ले है, या क्वार्ट्स स्मट या फिर आपका लूज स्मट है किसका, ओट का। तो ये याद रखिएगा कि यहां पर क्या है हमारे आपके सारे के सारे जो है एक्सटर्नल सीड बोन है। तो याद रखिएगा कि एक्सटर्नल सीड बोन कौन से हैं और इंटरनल सीड बोन कौन से हैं। तो आप किस लिए आए थे यहां पर, वीडियो किस लिए देखा, इसीलिए क्योंकि ये बात आपको पता लगी। अगर किसी को नहीं पता था तो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि आने वाले एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आप इसका आंसर करने के लिए रेडी होंगे कि यहां पर आपसे क्या पूछा गया था और आप इसका आंसर क्या कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो फ्रूट हैविंग फिट इन वॉटर बट हेड इन फायर, क्या बोला गया कि फ्रूट जो है उसके फिट कहां है, आपके वॉटर में है, लेकिन हेड कहां है, वो आग में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर में आग लगा रखी है, नीचे पानी में डुबो रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि हमारा कौन सा प्लांट है जो बाहर हाई टेम्परेचर कंडीशन में ग्रो कर सकता है बट उसको वॉटर की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, जो आपका पानी ड्रिंक जो है कहीं ना कहीं पानी में ग्रो कर सकता है, तो उस कंडीशन में। अब यहां पर डेट पाम के बारे में बोलोगे सर ये पानी आपका इसको कहां इतना देते हैं, तो इसकी जो रूट्स होती हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, रूट बहुत डीप तक चली जाती हैं और वहां से ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन याद रखिएगा बाहर से जो तापमान होता है, बाहर जो टेम्परेचर होता है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी डेट पाम आपका ग्रो करवाया जा सकता है। और याद रखना ये आपका सोल्ट टॉलरेंट क्रॉप का भी बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला कि सोल्ट टॉलरेंट क्रॉप का भी बेस्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही विवेक सैनी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा कि ये क्या है आपका डेट पाम, इसका आंसर है इसके लिए कि फ्रूट हैविंग फिट इन वॉटर हेड इन फायर। और इसका याद रखिएगा कि डेट पाम जो है वो हमारा यहां पर सोल्ट टॉलरेंट क्रॉप का भी कई बार एग्जाम्पल यहां पर आ जाता है, तो इस ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है, बोटेनिकल फॉर्म ऑफ कीवी इज, कि आपका जो कीवी है उसका बोटेनिकल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा कि कीवी की जब भी हम बात करेंगे तो ये एक्चुअल में आपका चाइना से आया हुआ आपका प्लांट है। इसकी अगर हम बात करें तो चाइनीज गूजबेरी के नाम से इसको जाना जाता है, है ना, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इसका कीवी नाम कैसे पड़ा, तो ये एक्चुअल में क्या था, इंग्लैंड के अंदर इसको जो है सेलिंग करने के लिए इसका नाम जो था वो कीवी, आपका लोकल लोग जो थे, लोकल पीपल थे, उन्होंने इसका रखा था, जिसकी वजह से ये आपका काफी ज्यादा बिकने लगा था, है ना। तो इसका नाम वहां से आपका कीवी आया है, इससे पहले जो था ये चाइनीज गूजबेरी के नाम से इसी को जाना जाता है आपका, सॉरी चाइनीज बेरी के नाम से, चाइनीज ऐसा कुछ है ना, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन इसको वहां पर आपका इसी के नाम से चाइनीज बेरी जो है इसको बोला जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर ये क्या है, बेरी ही होता है, बेरी फ्रूट ही होता है। नेक्स्ट आपका है ग्रेनुलेशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन, जो ग्रेनुलेशन है वो आपका किस फ्रूट के अंदर आपका एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो ग्रेनुलेशन जो है वो आपका याद रखिएगा सिट्रस के अंदर एक भारी समस्या है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिट्रस का फ्रूट होता है उसमें से आपकी दो कंडीशन बनती है, एक तो क्या होता है पानी इसमें से ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। क्या बोला यहां पर कि पानी जो आपका मॉइस्चर होता है, आपका वॉटर होता है, वो आधा ड्राई हो जाता है, आधा वो क्या रहता है आपका जो है मतलब उसमें से मॉइस्चर हाफ आपका कम हो जाता है, और उसके बाद जो फ्रूट होता है वो अप्रोक्सीमेटली ग्रे कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। कैसा, आपका ग्रे कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो स्वाद होता है फ्रूट का, वो बहुत ज्यादा टेस्टलेस हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और उसी कंडीशन में याद रखिएगा कि ये जो हमारा यहां पर जो ग्रेनुलेशन प्रॉब्लम है वो किस में होता है, सिट्रस के अंदर देखने को मिलेगा। जी गाइस, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अल्ट्रा ड्वार्फ रूटस्टॉक ऑफ एप्पल इज, कि अल्ट्रा रूटस्टॉक जो है, अल्ट्रा ड्वार्फ जो रूटस्टॉक है वो आपका क्या है। तो ये आपका टिपिकल क्या है, एक आपका फैक्ट बेस है, लेकिन इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर ये आपके कुछ रूटस्टॉक है। एक आपका सबसे पहले ड्वार्फिंग है, ड्वार्फिंग के अंदर याद रखिएगा M9 है, सेमी ड्वार्फ में अगर पूछ ले तो M4, M7, M106 या M24 है, और इसी के साथ सेमी विग्रस में पूछ ले तो आपका यहां पर M111
या फिर MM109 है या फिर MM104 है। विग्रस के अंदर अगर हम बात करें तो मैटन 793 है, और अल्ट्रा ड्वार्फ के अंदर हमारा M27 है जो कि क्रॉस है किसका, M13 और M9 का। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहां पर क्या आ गया, विग्ना अनग्युकुलाटा इज बोटेनिकल नेम ऑफ, जो आपका विग्ना अनग्युकुलाटा है वो किसका एक साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है। तो याद रखिएगा हमारा जो काउपी है उसका ये आपका क्या है, एक आपका जो है विग्ना अनग्युकुलाटा एक आपका बोटेनिकल नेम है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो विग्ना रेडियाटा वो किसका होता है, मूंग बीन का होता है। क्या बोला मैंने यहां पर, विग्ना रेडियाटा जो होता है वो किसका होता है, मूंग बीन का होता है, जिसको आप जो है ग्रीन ग्राम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका विग्ना मूंगो होता है, विग्ना मूंगो जो होता है वो आपका ब्लैक ग्राम का होता है, जिसे आप उर्द भी बोलते हैं। तो प्लीज इसमें ना कई बार यहां पर आपका कंफ्यूज हो जाता है, क्या बोला मैंने यहां पर, विग्ना मूंगो जो है वो उर्द के लिए यूज करते हो, लेकिन मूंग जैसे नाम में आया तो कई बार इसका आंसर जो हम क्या कर देते हैं, मूंग बीन के लिए, जिसका आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपका विग्ना रेडियाटा। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, है ना। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे यहां पर मोठबीन की, तो वो आपका क्या होता है, विग्ना एकोंटिफोलिया होता है। प्लीज ये भी याद रखिएगा, क्या बोला, विग्ना एकोंटिफोलिया। वो हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, आपका मोठबीन का, ठीक है। तो प्लीज ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है गाइज। हाँ हाँ शशि बाला बिल्कुल सही बेटा आपका, यहाँ पर विवेक सैनी काउपी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। तो उर्दबीन के लिए जो आप यूज करते हो विग्ना मूंगो है, आपका रेडियाटा जो है वो मूंगबीन के लिए यूज किया जाता है बिल्कुल, है ना। और आपका विग्नो जो एकोंटिफोलिया है वो आपका यहाँ पर मोठबीन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारा साइंटिफिक नेम को जरूर याद करिएगा क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो आपका इनको याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है श्री कीर्ति इज वेराइटी ऑफ, श्री कीर्ति जो है वो किसका वेराइटी है, लेजर यम का, वाइल यम का, या फिर आपका ग्रेटर यम का, या फिर आपका मेडिसिनल यम का। जो यम होता है वो हमारा क्या है, एक आपका वेजिटेबल है जिसे आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, है ना। तो उसका आपका टाइप जो है एक लेजर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं इसके, है ना। तो यहां पर जो टाइप है उनमें श्रीकृति जो है आपकी किसकी वैरायटी है, तो वो आपकी ग्रेटर यम की क्या है, वैरायटी है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये जो है हमें फैक्ट, देखो जो चीज है फैक्ट की फैक्ट है ना, कि जैसे आपका नाम क्या है, तो नाम आपका फैक्ट है। अब इसके लिए मैं क्या आपकी एक्सप्लेनेशन दूं, ये दूं क्या आपका मतलब कलर ऐसा है, नाक ऐसा है, ये कान ऐसे हैं, उसके बाद आपको बताऊं कि ये नाम ऐसा है, ना ऐसा नहीं है। वो हमें अगर वेजिटेबल करना होता तो वो अलग बात था, है ना, मतलब पर्टिकुलर किसी वेजिटेबल का आपस में क्लासिफाई करना है तो अलग बात है, लेकिन वैरायटी प्लीज आपको एग्जैक्टली याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो लीक इज ग्रोन फॉर इट्स, लीक जो है वो किसके लिए यूज करते हो, तो लीक आपका जो है नॉन बल्ब फैमिली से बिलोंग करने वाला एक आपका जो है नॉन बल्ब फॉर्मिंग, जो आपका अनियन फैमिली से एलिएसी से बिलोंग करता है, फैमिली इसकी क्या होती है, एलिएसी होती है, और ये आपके मेनली स्टेम और लीव्स के लिए इसको ग्रो करवाया जाता है। मैंने क्या बोला कि ये आपका एलिएसी फैमिली से बिलोंग किए जाने वाला एक आपका प्लांट है, ठीक है। तो ये आपने किसके लिए, स्टेम और लीव्स के लिए मेनली इसको जो है आपका ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ म्यूटेशन वेयर एडेनिन बेस इज म्यूटेड टू थायमिन बेस इज कॉल्ड। देखिए यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे अपने आपको ट्रांजिशन के लिए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनमें चले जाएंगे, प्लीज इसको यहां पर ट्रांसवर्जन के लिए चले जाएंगे, लेकिन आपका प्लीज इनमें से आंसर नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, म्यूटेशन। ये जो वर्ड बोला है इसमें देखो म्यूटेशन में आप दो म्यूटेशन जरूर इंपॉर्टेंटली पढ़ते हो, एक आपका पॉइंट म्यूटेशन और एक आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए जब क्या होता है, कई बार पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जब आपके एक पर्टिकुलर यहां पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं बेस के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो उस केस में हमेशा हम क्या बोलते हैं वहां पर कि आपका जो बेस होता है उसके अंदर आप क्या बोलते हो, पॉइंट म्यूटेशन हमेशा वहां बोलते हो जहां पर आपका पर्टिकुलरली किसी बेस में कुछ चेंजेस हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है उसका मतलब होता है कहीं आपका इंसर्शन होना पर्टिकुलर बेस का या फिर आपका एडिशन होना। क्या बोला गया कि यहां बेस के अंदर जब कोई छोटा सा चेंज आ जाता है तो वो आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली आपका बेस पेयर जो होता है वो या तो एडिशन हो जाता है या फिर आपका डिलीशन
इंसर्शन हो जाता है, यानी कि या तो इंसर्शन हो जाएगा उसका या फिर डिलीशन हो जाएगा, उस केस में यहां पर आपका क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट होता है। तो ये जो है यहां पर आपका क्या हुआ है, एडेनिन जो है म्यूटेट टू थायमिन बेस, तो ये कंडीशन जो बन रही है वो आपका इसमें ही जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पोलेटेड क्रॉप वेयर मेनी डिजायरेबल प्लांट ऑफ सिमिलर फिनोटाइप आर सिलेक्टेड एंड देयर सीड्स आर मिक्स्ड टू कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू वेराइटी। अब याद रखिएगा यहां पर जो है प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन और बैक क्रॉस सिलेक्शन। चलो बैक क्रॉस और पेडिग्री में तो आप नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि एंसेस्टर को रिकॉर्ड को देख के फिर आप जो है उसकी जो है उनको डेवलप करने का काम करते हो, तो वो आपका पेडिग्री में होता है। बैक क्रॉस में क्या होता है, उसके जो पिछला पेरेंट था उसके साथ आप क्रॉस करवाने का काम करते हो। मास सिलेक्शन और प्योर लाइन में दोनों में जाने के चांसेस बनते हैं ना, प्योर लाइन में भी जा सकते हैं और मास सिलेक्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन कैसे, हम दोनों में से क्या चूज करेंगे। तो याद रखिएगा प्योर लाइन सिलेक्शन में आप पर्टिकुलरली जो आपके चूज्ड कैरेक्टर होते हैं, पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए आप प्योर लाइन को यूज करते हो, तो वैसा तो वर्ड कहीं नहीं लिखा गया कि आपका जो है पर्टिकुलरली जो है, यहां पर बोला गया सिमिलर फिनोटाइप, मतलब सारे के सारे एक जैसे दिखने वाले आप प्लांट को क्या कर लेते हो, चूज कर लेते हो, तो उसमें आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आप जो है ट्रांसफर करते हो, पर्टिकुलर कैरेक्टर को देखते हुए आप सिलेक्शन को करते हो, लेकिन आपका जो मास सिलेक्शन होता है वो आपका फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेस पे ओवरऑल आपका क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा और वहां से आपका आंसर यहां पर क्या जाएगा, हमारा मास सिलेक्शन जाएगा। होपफुली ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो हमें थोड़ा सा इसके अंदर सिलेक्शन के जितने भी टाइप होंगे उनको हमें एक बार देखना पड़ेगा, फिर हमें ये इजीली आपका अंडरस्टैंडेबल हो सकेगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपका साक्षी शुक्ला जी और आपका विवेक सैनी दोनों ने आंसर बिल्कुल सही किया है कि आपका मास सिलेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपका है ओकाजाकी फ्रेगमेंट रेफर्स टू, कि ओकाजाकी जो आपका फ्रेगमेंट है वो रेफर क्या है, कि शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज्ड ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, या शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, या आपका आरएनए के लिए लीडिंग स्ट्रैंड में। तो ये आपका आंसर जो आता है वो आपका यहां पर शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज्ड ऑन आपका लैगिंग स्ट्रैंड, जब आपका डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो उसके लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है एक स्मॉल फ्रेगमेंट स्मॉल आपका स्ट्रक्चर टाइप जो होता है प्रोड्यूस होता है, और वो हमेशा याद रखना जब डीएनए सीक्वेंस अपना लैगिंग स्ट्रैंड में उस समय जो है इस कंडीशन के अंदर आपका यहां पर क्या होगा, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होगा वो आपका क्रिएट होने का काम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कि आपका यहां पर जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वो आपके एंटी पैरेलल होते हैं, या फिर वो आपके सर्कुलर होते हैं, या फिर आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपके जो यहां पर डीएनए की जब भी हम बात करते हैं तो दोनों जो हमारे यहां पर क्या है स्ट्रैंड है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके एंटी पैरेलल होते हैं, है ना, आपके क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। और किस प्रकार से, एक आपके यहां पर सीडी नुमा जो आपका गोल आपकी सीढ़ियां देखी होंगी आपने, उस शेप में जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, इनमें आपके बॉन्ड कौन से बनते हैं, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। एडेनिन अपने आपने जो सॉरी आपके जो प्यूरीन या फिर प्यूरिमिडिन बेस होते हैं वो आपस में कैसे ऐड होते हैं वो आप याद रखिएगा, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, डबल बॉन्ड कहां बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहां बनते हैं, किस किस के बीच में होते हैं, ए और टी के बीच में क्या होता है, जी और सी के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो एटी में डबल होता है, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कौन से बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आपका जो स्ट्रैंड बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बेस आपस में किससे जुड़े हैं, वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, आपका जो स्ट्रैंड है उसके न्यूक्लियोटाइड के आपस में जो बेस जुड़े हैं बाद में वो किसकी वजह से जुड़े हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बने हैं, फॉस्फेटिक बॉन्ड जिसको आप बोल देते हो, है ना, तो उससे जुड़े हुए हैं। प्लीज इस चीज को याद करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, कई बार आपके एग्जाम में अगर जहां भी इसकी ब्रीडिंग की बात की जा रही है प्लांट ब्रीडिंग की तो उसमें मैक्सिमम टाइम है कि इस चीज को आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिलेटेड टू कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क में कौन सा हार्मोन होता है, आपका इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिबरलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। देखिए गाइस, आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे पता नहीं किस रिस्पेक्ट में, उसके सीड के रिस्पेक्ट में सोचते होंगे, इसके प्लांट के रिस्पेक्ट में सोचते होंगे, तो उसके मिल्क के रिस्पेक्ट में, जो कोकोनट के अंदर उसका मिल्क है, कोकोनट के अंदर जो उसका वाटर है उसके रिस्पेक्ट में याद रखिएगा उसके अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। क्या होता है, आपका साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन हार्मोन होता है जो उसके अंदर, साइटोकाइनिन वैसे क्या करता है, सेल डिवीजन में वर्क करता है, तो याद रखिएगा इस चीज को यहां पर।
नेक्स्ट है व्हाइट बर्ड ऑफ मेज एंड खेरा डिजीज ऑफ राइस एकॉम्पनीड विद स्टंटेड ग्रोथ ऑफ मेज एंड राइस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग, यानी कि दोनों का एक साथ में ही पूछ लिया गया कि जो आपका व्हाइट बर्ड ऑफ मेज है और खेरा डिजीज ऑफ राइस है, तो ये तो एक अल्टीमेट क्वेश्चन है ना, ये हमारा एक अल्टीमेट आंसर है और इसके लिए तो सोचना ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, है ना। तो जिंक हमारा चला जाता है और जिंक को हम याद कर लेते हैं, तो प्लीज याद रखिएगा, है ना। तो ये चीज तो मतलब कई बार गलती से गलत हो जाती है, मैं आपको फिर बोलता हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ईजी होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। पेपर में क्या होता है, पेपर कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, पेपर एक बहुत ईजी चीज होती है, लेकिन क्या होता है पेपर को हम लोग डिफिकल्ट बना लेते हैं। हम लोग डिफिकल्ट कैसे बना लेते हैं, उसको हम समझ ही नहीं पाते कि पेपर में एक्चुअल में क्या था, पेपर में एक्चुअल में क्या पूछा गया था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डियर ये है कि हमारे पेपर में जब भी जो कुछ पूछा जा रहा है, जो कुछ आ रहा है वो सिंपल है, बट हमें ये चीज है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पेपर देना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन यहां पर आया तो डेफिनेटली हमारा आंसर कोई गलत नहीं कर पाएगा, हम कभी उस चीज के अंदर गलत नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जिंक हमारा क्या होगा इसमें, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेल डिवॉइड ऑफ वॉटर इज कॉल्ड एज, क्या बोला गया, सेल जिसके अंदर पानी की कमी हो चुकी है वो आपका सेल क्या कहलाएगा, ट्रजिड सेल होगा, डीआयोनाइज सेल होगा, फ्लैसिड सेल होगा, या फिर आपका यहां पर इम्बिबिड सेल होगा। याद रखिएगा कि जिस सेल में से पानी आपका निकल चुका है, अब एक बात बताता हूं आपको यहां पर टर्जर प्रेशर के रिस्पेक्ट में कि टर्जर प्रेशर क्या होता है और टर्जिडिटी कब क्रिएट होती है, है ना। देखिए टर्जर प्रेशर जो होता है वो आपका पानी जब आपकी सेल के अंदर चला जाता है, मैंने क्या बोला, मान के चलिए एक गुब्बारा है ना, उस गुब्बारे में आपने हवा भरी, तो हवा जो अंदर की हवा है वो कहां प्रेशर लगा रही है, अंदर की हवा गुब्बारे के अंदर वाली साइड में क्या कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है। उसी प्रकार से आपने अगर किसी भी कंटेनर में पानी फिल किया तो वो पानी बाहर निकलने के लिए उसके कंटेनर पे फोर्स क्रिएट करता है कि नहीं करता, उसी प्रकार से जब भी आपकी सेल के अंदर पानी चला जाता है तो सेल के अंदर पानी जो होता है वो का फोर्स क्रिएट करता है उसकी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के ऊपर, तो वो आपका जो प्रेशर होता है उसे आप ट्रजर प्रेशर बोलते हो, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा कि जो ट्रजर प्रेशर होने की वजह से सेल आपकी क्या हो जाती है, ट्रजिड हो जाती है, है ना, तो वो आपका यहां पर फॉर्मड हो जाती है, वो आपकी जो है वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपका ट्रजिड सेल कहलाती है, या फिर वो कंडीशन होती है वो ट्रजिडिटी होती है। कई बार आप वर्ड बोलते ना ट्रजिडिटी, वो ट्रजिडिटी यही होता है कि सेल आपका सख्त हो जाना, है ना, तो वो आपका यहां पर क्या होता है, ट्रजिडिटी होता है। लेकिन उस सेल में से पानी जब निकल जाता है तो बिल्कुल चिपक सी जाती है और उस कंडीशन को आप यहां पर क्या बोलते हो, फ्लैसिड सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, आप फ्लैसिड सेल बोलते हो, ठीक है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकती है। नेक्स्ट है इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वाज प्रिपेयर बाय, कि जो इंडोर मेथड है वो किसके द्वारा, विलियम गॉड के द्वारा, रॉबर्ट मैक्रिशन के द्वारा, या फिर अल्बर्ट हवार्ड के द्वारा, या फिर आपका मोइचिकी ओकादा के द्वारा। तो ये आपका अल्बर्ट हवार्ड के द्वारा। ये क्या है कि इंपॉर्टेंस जो है आपका एक एडवांस प्रैक्टिस है जो कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए इंडोर में, है ना, तो मिड 1920 के अंदर ये जो है आपका हवार्ड के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसके अंदर सिस्टमेटिक मतलब आपका क्या होता है कि कंपोस्ट जो होती है वो इंडोर मेथड के द्वारा, और आपका यहां पर क्या होता है जो रॉ मटेरियल हमारे होते हैं, चाहे आपका एनिमल का एक्सक्रीट है या फिर प्लांट का बचा हुआ है, वेजिटेबल का बचा हुआ है, फ्रूट का बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा आपका पार्ट होता है उसको आपको मिक्स करके और उसी के साथ आपका जो मिट्टी है और वुड है आपके, उनको यूज करके आप क्या करते हो, उसको आप ग्रो करवाने का, उसको जो है आप प्रोड्यूस करने का काम करते हो, जिससे आपका ऑर्गेनिक जो है आपके पास खाद मिल जाती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। देखो आपके जो रिफ्लेक्टेंट होते हैं वो आपके कुछ होते हैं स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, स्टोमेटा जिससे क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेंट। रिफ्लेक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्शन वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट जब अंदर अटैक ही नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, क्या वहां से आपका ट्रांसपिरेशन हो पाएगा या फिर आपका प्रोसेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना, तो वो चीज ऐसे करते हैं। या फिर फिल्म फॉर्मिंग, तो मतलब फिल्म एक क्रिएट कर देते हैं, जैसे वैक्स की आपकी जो है ना, तो इसमें क्या है आपके अलग अलग टाइप बताए गए हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग जो है उनके एग्जांपल क्या है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है, एब्सिसिक एसिड है, या फिर हाई CO2 कंसंट्रेशन, इन तीनों को आप यूज करते हो स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए। दूसरा आपका है फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म फॉर्मिंग में क्या नाम आएगा, वैक्स आएगा, प्लास्टिक फिल्म आएगी, या फिर आपका सिलिकॉन ऑयल आएगा। रिफ्लेक्टिव टाइप में क्या होगा, केओलिनाइट आएगा, जिसे आप केओलिन बोलते हो। दूसरा आपका लाइम वाटर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या था, तो ऑब्वियस सी बात है केओलिन था,
है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद करिएगा। बिल्कुल विवेक सैनी जी, आपका आंसर है अल्बर्ट, बिल्कुल सही था। और यहां पर आपका जो कैवलिन आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है, इन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एज ऑफ सीडलिंग यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग। क्या बोला गया कि आपका राइस इंटेंसिफिकेशन के अंदर आपका सीडलिंग का एज जो है वो कितना होता है ट्रांसप्लांटिंग के दौरान। तो यहां पर आपका 25 से 35 दिन, 8 से 15 दिन, 15 से 20 दिन या 20 से 21 दिन। तो ये आपका क्या होगा, 8 से 15 दिन होगा। उसी प्रकार से जो डेपोक नर्सरी होती है, डेपोक के अंदर आपका कितना होता है, आपका 14 दिन तक होता है। तो उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार डेपोक नर्सरी आपका पूछ लिया जाता है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका है द सीड रेट ऑफ ट्रू पोटैटो सीड। सीड रेट क्या है आपका ट्रू पोटैटो सीड का, तो 100 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर, 250 से 300 ग्राम किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर आपका 500 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। देखिए गाइस, याद रखिएगा आपका 100 से 150 ग्राम जो होता है वो यहां पर आपका यूटिलाइज किया जाता है। मैंने क्या बोला कि 100 से 150 ग्राम जो होगा वो यहां पर हेक्टेयर यूटिलाइज किया जाएगा। और क्यों यूज करते हैं इसको, यूटिलाइज क्यों किया जाता है, इसको यूटिलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि कारण क्या होता है, ट्यूबर जो होते हैं उनका एक तो वेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा उनको रखना, संभाल के रखना आगे आने वाले टाइम के लिए, वो बहुत ज्यादा आपका कॉस्टली होता है। क्योंकि पोटैटो जो है वो एक पेरिसेबल प्रोडक्ट है, वो खराब हो जाता है ना कुछ टाइम के बाद। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कोल्ड स्टोरेज में उसको संभाल के रखना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज में संभालने का पहले तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, दूसरा क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज में जब रखते हो तो ट्यूबर आपके खराब हो जाते हैं, गलने स्टार्ट हो जाते हैं, सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गल भी ना जाए, सड़ भी ना जाए, तो उससे भी हमें बचाना है। तो कैसे बचाएं, किस चीज से बचाएं कि हमारा जो है आने वाले टाइम में, तो आपका उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसी के साथ जो ट्यूबर होते हैं उनमें डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, डिजीज के चांसेस आने के ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए डिजीज से भी हमें बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपके ट्रू पोटैटो सीड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बिल्कुल वायरस फ्री होते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, और आपका साथ में उनको संभालना इजी रहता है, स्मॉल साइज में होते हैं, इसलिए हमारा यहां पर ट्रू पोटैटो सीड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर फॉर मिजोफिलिक बैक्टीरिया, जो मिजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या होगा। तो याद रखिएगा 20 से 40 डिग्री, 5 से 7 डिग्री, 50 से 70 डिग्री, या फिर आपका बिलो 5 डिग्री। तो जो आपके यहां पर मिजोफिलिक होते हैं वो आपके होते हैं मॉडरेट, जिनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और मॉडरेट टेम्परेचर हमारा कितना होता है, जितना हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए होता है, जो हमारा 20 से 40 डिग्री है। तो ये आपका क्या रहता है, एक आपका बेस्ट रहता है। वैसे इसका 25 से 40 होता है ज्यादातर, कई बार जो दिया जाता है ना, तो 25 से 40 बोल दो या 20 से 40, यहां पर ऑप्शन में यही एक शूट बैठ रहा है, तो हमें इसी को चूज करना पड़ेगा और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो मॉइस्चर कंटेंट फॉर लूज हे शुड बी इन द रेंज ऑफ परसेंटेज, कि आपका हे के अंदर, लूज हे के अंदर, देखिए गाइस आपका लूज हे की जब भी हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जो है अप्रोक्सीमेटली 19 to 20। ये क्या होता है, कई बार जो हमारी हे जो होती है वो आपकी डिपेंड करता है ना, कि उसके अंदर कितना आपका हे का क्वांटिटी कितना है, हे का टाइप क्या है, हे कहां हम स्टोर कर रहे हैं, हे आपका किस प्रकार से लूज या कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपका स्टोर किया जा रहा है। तो आपका जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसको जब अंदर स्टोर करते हो है ना, उस कंडीशन में याद रखने का कि उसको वहां पर 12% से आपका 10 से 12% मॉइस्चर के ऊपर ही आप क्या करते हो, हे को स्टोर करने का काम करते हो। लेकिन लूज हे को आप नॉर्मली 19 से या फिर 20 से 22 डिग्री आप जो है, सॉरी 22% मॉइस्चर के ऊपर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो आप उसको। तो यह भी आप याद रखिएगा कि आपका क्या है, इसके अंदर यहां पर 19 से 22% जो आपका मॉइस्चर होता है वो आपका बिल्कुल सही जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें आपके साइलेज में भी, देखो हे में क्वेश्चन आया है तो आगे आने वाले टाइम में साइलेज के लिए भी आंसर आ सकता है। तो उसमें जो आपका मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो 65 to 70% होता है। साइलेज का पीएच कितना होता है, तो साइलेज का पीएच आपका जो होता है 4 to 4.2 होता है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि साइलेज के अंदर आपका पीएच कितना होता है, तो 4 to 4.2। इसके अंदर आपका ब्यूटेरिक कंडीशन, सॉरी ब्यूटेरिक एसिड और आपका लैक्टिक एसिड भी देखा जाएगा। तो लैक्टिक एसिड कितना हो सकता है, तो लैक्टिक एसिड याद रखिएगा कि आपके यहां पर जो साइलेज होता है उसमें आपका आई थिंक सो 3 to 14% हो सकता है। और ब्यूटेरिक एसिड कितना हो सकता है, तो 0.2% से कम होगा। याद रखिएगा कितना आपका, 0.2% से ब्यूटेरिक एसिड क्या होगा आपका,
कम होगा, ठीक है, तभी वो आपका जो है, जो आपका साइलेज होगा उसे बेस्ट माना जाता है। ये आपकी यहां पर एनडीआरआई की रिकमेंडेशन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, है ना। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, हमेशा कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये एक बार देख लेना 5 से 14 या 3 से 14, आई थिंक सो 3 से 14 ही होगा, है ना। तो ये आपका लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका है, ये ब्यूटेरिक एसिड है तो 0.2% से क्या होगा, कम, है ना, ये इससे कम होना चाहिए, तभी आपका क्या रहेगा। उसी के साथ अमोनिया, क्योंकि ये क्या करती है, ब्राउन ग्रीन, और यहां भी याद रखना कि आपका लाइट ब्राउन ग्रीन कलर होता है उसका, है ना, साइलेज का, इसकी बात कर रहा हूं, हे की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, है ना। तो ये कई बार आपके यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑब्वियस ही बात है हे से आया तो आने वाले टाइम में साइलेज से भी आ सकता है, तो साइलेज को भी हमें याद करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली देखो, क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन के साथ में क्या स्टडी कर सकते हो, उसके साथ में क्या क्या लिख सकते हो, उन चीजों को जरूर लिखिए, उनको जरूर याद करिए, और डेफिनेटली आपको लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी, और इसी के साथ आपको फायदा भी मिलेगा कि वो हमारी कैसे एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो आपका, सॉरी गाइस, इतने ही क्वेश्चंस थे, और देखिए ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे यहां पर अपना स्टडी कर रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, आप 36 हैं, डेफिनेटली मुझे ये बताइए कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, प्लीज ये एक आंसर आप जरूर करेंगे कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, लेट मी नो वन थिंग कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, आप कुछ गेन कर पाए या नहीं गेन कर पाए, यस और नो प्लीज, उसके बाद मैं आपसे डिस्क्राइब करता हूं कुछ बातों को। I am waiting for your answer. जी गाइज, अगर आपको बेनिफिट मिला है तो एक बात बताइए, आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो भाई, आप लोग अगर डेफिनेटली आपको फायदा हो रहा है, अगर आपको यहां पर नॉलेज मिल रहा है, तो आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड को क्यों नहीं बता रहे हो, अकेले अकेले नॉलेज लेना चाहते हो क्या, कि किसी को पता ना लग जाए हम इस बार सिलेक्शन ले ले अगली बार बता देंगे, ऐसा कर रहे हो क्या, है ना। मुझे यही लग रहा है कि आप लोग जो है इसीलिए शेयर नहीं करते हो कि शायद किसी को बता दिया तो हम मतलब आगे मतलब हम नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा है क्या। प्लीज गाइज शेयर करना जरूर, देखिए यहां पर क्या है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारा, है ना। देखो मैं ये है कि अकेला कहीं नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन आप लोगों का अगर साथ रहा, मैं इस चीज को भी वादा करता हूं, आने वाले टाइम में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होना चाहिए, तो डेफिनेटली उस चीज के बिहाफ पर बहुत अच्छा किया जा सकता है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हम लाखों की फॉर्म में एक साथ में एक यूनिट बनाकर, क्योंकि यूनिट हमेशा इकाई जो होती है वो आपको हमेशा आगे बढ़ाती है लाइफ के अंदर भी और भी, ये हमारा एक ही पार्ट था, अगले पार्ट में हम दूसरा पार्ट भी करेंगे, तो ये चीजें हमें भी आगे बढ़ाती है, हमें भी एनकरेज करती है, और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इस चीज में फायदा करता है कि हम इस चीज से आपका कहीं ना कहीं एक नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास ज्यादा जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा फायदा ये होगा कि हमें आपका ज्यादा पता चलेगा कि हम कहां स्टैंड आउट कर रहे हैं, हम कहां जो है अपने आप को लैगिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हर बार क्या होता है, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आपको कोई क्या बोल रहा है ना, ये चीज है कभी मैटर नहीं करती है, दुनिया में हर चीज मैटर नहीं करती है, ये चीज बहुत मैटर करती है कि हम लोग आपस में कितना सीख पाते हैं। कई बार जो है आपका जब आप पढ़ा रहे होते हो तो बहुत बार नेगेटिव भी सुनने को मिलता है, फर्क ही नहीं पड़ता है मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है, आप बोलते रहिए, आपका काम है, क्योंकि देखो एक कहते ना कि एक सांप का काम है डसना, है ना, एक गलत आदमी का काम है कि गलत काम करना और सही आदमी का काम है सही काम करना, तो जो आप कर रहे हो ना वो अपने आप में सही होना चाहिए, आप दूसरों की चिंता क्यों करते हो, उसकी नेचर ऐसी है वो यही कर सकता है, उसकी औकात उतनी ही है वो वही करेगा, आपकी औकात क्या है, व्हाट कैन यू डू, वो आप जो कर सकते हैं वो आप डेफिनेटली अपने आप में सही है, अपने आप को सही रखिए, दुनिया को नजरिए को मत देखिए, आप कभी दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, अपने आप में अगर आप सही हो, आप आईने में हमेशा अपने आप को सबसे खूबसूरत पाते हो, है ना, ये चीज बहुत जरूरी है, और वही डेफिनेट है, ब्यूटी मैटर नहीं करती है, इनर ब्यूटी बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए, अपने आप को खुश रखिए, और आपका जितना हो सकता है सेल्फ ग्रोथ कीजिए, दुनिया को मत देखिए, डेफिनेटली एक दिन बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की बजाय अपने आप को जो है कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड बनाइए, अपने आप को जो है एक सेल्फ जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूटेड पर्सन बनाइए, जो अपने आप को बना रहा है, अपने आप में सेटिस्फाइड है, क्योंकि सक्सेसफुल होने की बजाय सेटिस्फाइड पर्सन बहुत ज्यादा खुश रहता है, और खुश रहना ही इस लाइफ में मोटिव होना चाहिए। खुश रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।